सुंदर बनाने के लिए रघुवर सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इसके लिए रांची में कई पार्क बनाए गए। इनमें से एक है विवेकानंद पार्क, जहां कई प्रकार के पौधों के साथ जॉगिंग का ट्रैक भी बनाया गया है। स्वच्छ, सुंदर और स्मार्ट रांची बनाने के लिए कई जगहों पर पार्क का निर्माण कराया गया है। लालपुर में डिक्शनरी पुल के पास बने स्वामी विवेकानंद पार्क करीब 2.5 एकड़ में फैला है। यहां बच्चों और बड़ों के मनोरंजन के लिए आर्टिफिशियल तालाब, चारों तरफ पाथवे, कई प्रकार के झूले और पेड़ पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा पार्क में हरियाली पर विशेष ध्यान दिया गया है। पार्क के कोने में फूड काउंटर भी है। वाटर हार्वेस्टिंग तालाब के किनारे छठ पूजा भी की जाएगी। तालाब के चारों तरफ खूबसूरत लाइट लगाई गई है। सभी पार्क में जिम बना देंगे और हम लोग ने सभी पार्क को निरीक्षण भी किया है, उसका एस्टिमेट भी बना करके हम लोग ने भेज दिए हैं। बहुत जल्द वहां और जिम लग जाएंगे और लोगों को सुविधा मिलेगी। स्वामी विवेकानंद पार्क बनने से लालपुर और कोकर के लोगों को फायदा हो रहा है। पहले इस इलाके में कचरे का ढेर लगा रहता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। इससे आम लोग बेहद खुश हैं। लोगों को फायदा हुआ, अगल बगल के लोग आते हैं यहाँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करके जाते हैं। गंदगी से थोड़ा साफ सुथरा हो गया। यहाँ पर भीड़ भड़का होता है। यहाँ पर पार्क में लोग आनंद लेते हैं पार्क का। यहाँ पर बच्चों लोग भी बहुत आते हैं यहाँ पर संडे के दिन, छुट्टी के दिन खास करके। सरकार ने तो काम अच्छा ही किया है। पार्क यहाँ पर जरूरी था, इस इलाके में पार्क था नहीं। खास करके लेडीज लोग जो घर में रह जाती हैं, कुछ वॉक नहीं कर, कम से कम 2 ही चक्कर 3 चक्कर लगा तो कुछ स्फूर्ति उन लोग में आता है। किसी को अर्थराइटिस है, कुछ है, मतलब थोड़ा थोड़ा करने पर मतलब कैपेसिटी बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। रघुवर सरकार राजधानी रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस तरह के पार्क शहर के हर वार्ड में खोलने की योजना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।